तो आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि YouTube चैनल आप बना लेते हैं तो उसके लिए एक लोगो की ज़रूरत पड़ती है। तो आप YouTube लोगो कैसे बनाएंगे, मतलब YouTube का एक YouTube के लिए आप लोगो कैसे बना पाएंगे, तो लोगो बनाना आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, तब जाके आपको समझ में आएगा। तो आज का वीडियो इसी पर है कि लोगो हम कैसे बनाएंगे अपने YouTube चैनल के लिए। तो YouTube का लोगो अगर आप भी बनाना चाहते हैं, अगर आप यूट्यूबर बनना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा कि यूट्यूब चैनल कैसे बनाएं, उसको जाके आप वॉच करिए। उसके बाद ये वीडियो आप देखिए कि यूट्यूब के लिए एक लोगो कैसे डिज़ाइन करें, यूट्यूब के लिए एक लोगो कैसे बनाया जाता है। तो लोगो बनाने के लिए आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ सकती है जिसका नाम है पिक्सलैब। पिक्सलैब एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर आसानी से मिल जाएगी, वहां से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पे और वहां पे बताएंगे कि आप लोगो कैसे डिजाइन करेंगे, लोगो अपने YouTube चैनल के लिए कैसे बना सकते हैं। लेकिन इससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे चैनल पे अगर आप नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिए। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो आपको थंबनेल बनाने के लिए पिक्सलैब एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी। तो पिक्सलैब एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आता है। तो सिंपली टेक्स्ट वाले को यहाँ पे टेक्स्ट को डिलीट करना है, तो टेक्स्ट वाले पर यहाँ पे सेलेक्ट रहेगा, उसके बाद यहाँ पे डिलीट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो टेक्स्ट है वो डिलीट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको कलर लेना है, तो कलर के लिए सिंपली यहाँ पे जो दो कोठा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, सिंपली इस पे वाले इस कोठे पे आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे ऊपर एक ऑप्शन आएगा कलर का, कलर वाले ऑप्शन पे जाके और यहाँ पे कलर पे सेलेक्ट करके और यहाँ पे आपको ब्लैक कलर ले लेना है। यहाँ पे ब्लैक करके और सही वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे टेक्स्ट को ऐड करना है अपने, तो टेक्स्ट को ऐड करने के लिए यहाँ पे प्लस वाला आइकन पर क्लिक करेंगे और टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको इसको बीच में ला देना है, इस तरह से कुछ यहाँ पे बीच में ला देना है। उसके बाद से यहाँ पे दो बार यहाँ पे टाइप करना है, दो बार जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखने वाला आ जाएगा। उसके बाद जैसे मान लीजिए मेरे चैनल का नाम है बड़ा खोज, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा बी कैपिटल लेटर, उसके बाद फिर से के, उसके बाद से यहाँ पे एक स्पेस यहाँ पे दे दूँगा, उसके बाद ओके वाले ऑप्शन पर यहाँ पे क्लिक कर दूँगा और फिर से मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लूँगा। तो चलिए मैं अपने हिसाब से यहाँ पे बड़ा कर लूँगा कुछ इस प्रकार से, कुछ इतना आप बड़ा कर लेंगे। उसके बाद इसका फॉन्ट आपको चेंज करना है, तो फॉन्ट चेंज करने के लिए यहाँ पे नीचे ए वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद से थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहीं पे आपको एक ऑप्शन शो होगा फॉन्ट का, यहाँ पे देख सकते हैं फॉन्ट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे फॉन्ट माई फॉन्ट वाले ऑप्शन पर आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे एक फॉन्ट है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको जाके आप वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। तो कुछ इस प्रकार से मेरा फॉन्ट है, उसके बाद इतना कर लेंगे और थोड़ा सा इसको मैं चलिए बड़ा कर लेता हूँ, कुछ इस प्रकार से मैं इतना कर लिया हूँ। उसके बाद से आपको क्या करना है, थोड़ा सा और इसको स्क्रॉल करेंगे, ये पट्टी वाले लाइन को स्क्रॉल करेंगे और यहाँ का कलर इसको पीएनजी में करना है अपने टेक्स्ट को। तो यहाँ पे कलर वाले ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद से आपको कलर वाले ऑप्शन पे कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, आपको सिंपली यहाँ पे एक प्लस का आइकन दिखाई देगा, इस प्लस वाले आइकन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद जो नीचे का ये जो पट्टी है इसको यहाँ पे खींच कर लाकर सबसे इधर कर देना है, उसके बाद ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो आपका यहाँ से टेक्स्ट गायब हो जाएगा, यहाँ पर टेक्स्ट आपका गायब नहीं हुआ है, पीएनजी में हो गया आपका टेक्स्ट। उसके बाद यहाँ पर सही वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद इसी लाइन में आपको एक स्ट्रोक का ऑप्शन मिलेगा, स्ट्रोक वाले ऑप्शन पर यहाँ पर स्ट्रोक वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद इसको अनेबल कर देंगे, उसके बाद अनेबल करेंगे उसके बाद यहाँ पे वाइट कलर आपको सेलेक्ट करना है। तो जैसे आप वाइट कलर सेलेक्ट करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपका आ जाएगा। तो थोड़ा सा स्ट्रोक का जो वेट है इसको बढ़ाएंगे, तो यहाँ पे नीचे दिख रहे हैं जो लाइन इसको थोड़ा सा हम खींच कर यहाँ पे बढ़ा लेंगे अपने हिसाब से, कुछ इतना तक आप कर सकते हैं अपने हिसाब से आप कर लेंगे। उसके बाद सही वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो कुछ इस प्रकार से आपका आ जाएगा। तो अभी पूरा नहीं बना है, आपको यहाँ पे एक काम करना है, यहाँ पे फिर से टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे यहाँ पे फिर से आपको यहाँ पे टेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन शो होगा शैडो का, तो यहाँ पे एक शैडो वाला ऑप्शन यहाँ पे आपको शो हो रहा है, तो सिंपली यहाँ पे शैडो वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे और इसको आपको अनेबल कर देना है, इसको अनेबल कर लेंगे तो उसके बाद आपको यहाँ पे कलर सेलेक्ट करना है। तो कलर कौन सा सेलेक्ट करना है, तो चलिए मैं ये वाला कलर यहाँ पे ले लेता हूँ, ये आसमानी कलर मैं ले लूँगा। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं एक आउटर ग्लो का एक ऑप्शन शो हो रहा होगा, तो सिंपली इसको आपको क्या करना है, इसको अनेबल करना है। तो इसको अनेबल कर देंगे तो कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ओपेसिटी इसका जो 100% दिखाई दे रहा है इसको थोड़ा सा कम कर लेंगे, 70 तक आप कर सकते हैं, तो इस प्रकार कुछ कर लेंगे। उसके बाद सही वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है, तो उसके बाद कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, कुछ यहाँ पे पीएनजी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको यहाँ पे ऐड करना है आपको। तो सिंपली आपको वहाँ से डाउनलोड कर लेना है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से जाके। तो सिंपली यहाँ पे एक ऑप्शन शो होगा आपको, सर्किल का एक ऑप्शन शो होगा, तो सिंपली इस पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद से यहाँ पे पीएनजी को ऐड करने के लिए इंपोर्ट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद जो मैं यहाँ पे पीएनजी ले रहा हूँ उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इसको भी आपको डाउनलोड कर लेना है। तो सिंपली इसको यहाँ पे लेना है, उसके बाद यहाँ पे सही वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको खींच के थोड़ा सा इसको लंबा करना है, उसके बाद इसको यहाँ पे लाना है। उसके बाद इसका ओकुपिसिटी थोड़ा सा आपको कम करना है, तो उसके लिए यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आना है, स्क्रॉल करना है इसको,
इसको, और यहाँ पे एक ऑप्शन शो होगा ओपेसिटी का, एक ऑप्शन शो रहा है, इस पर आपको सिंपली यहाँ से थोड़ा सा इसको हल्का कर देना है। उसके बाद यहाँ पे सही वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे चले जाएंगे, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, उसको यहाँ उसके बाद यहाँ पे लॉक कर देना है इन दोनों को, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए यहाँ पे हिले डुले नहीं। उसके बाद से यहाँ पे आपको काम अभी ख़त्म नहीं हो रहा है, यहाँ पे एक और PNG आपको ऐड करना है। तो सिंपली यहाँ पे इंपोर्ट वाले ऑप्शन पे फिर से जाएंगे, उसके बाद फिर से इस वाले PNG का लिंक आपको भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इसको भी डाउनलोड करना है। फिर से यहाँ पे सही वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, कुछ इस प्रकार से इसका PNG है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसके पीछे साइड में एक ब्लैक कलर का जो पट्टी है यहाँ पे हटा नहीं है, PNG नहीं है। तो इसको हटाने के लिए सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको एक इरेज कलर का एक ऑप्शन आएगा, तो इरेज कलर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, उसके बाद इसको अनेबल करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे आपको क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे ब्लैक कलर को यहाँ पे चूज़ करना है। उसके बाद सही वाले ऑप्शन पे जैसे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे ब्लैक कलर को चूज़ करना है, उसके बाद सही वाले ऑप्शन पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये PNG में हो जाएगा। उसके बाद फिर से यहाँ पे राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे और थोड़ा सा इसको आप बड़ा करेंगे और यहाँ पे कुछ इस प्रकार से इसको सेट करेंगे। उसके बाद फिर से इसको भी यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे लॉक कर लेंगे। उसके बाद से आपको क्या करना है, यहाँ पे एक शेप्स का ऑप्शन मिल जाएगा, शेप का, यहाँ पे शेप वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और थोड़ा सा इसको इस तरह से पतला, यहाँ पे इतना पतला तक कर देना है। उसके बाद सही वाले ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद थोड़ा सा इसको रोटेट कर लेना है, इस प्रकार से यहाँ पे रोटेट कर लेंगे। उसके बाद इसको आपको क्या करना है, यहाँ पे ला देना है और फिर से इसका एक कॉपी करना है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन शो हो जाएगा कॉपी का, तो यहाँ पे कॉपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और फिर से इसको यहाँ पे इस प्रकार से नीचे ला देना है। उसके बाद से फिर से इस PNG को यहाँ पे आपको लेना है, तो फिर से यहाँ पे क्लिक करना है और इस PNG को फिर से आपको यहाँ पे लेना है, जो साइडों का PNG है इसको लेना है। उसके बाद से इसको आपसे इसको यहाँ पे थोड़ा लंबा करना है और नीचे से पतला करना है, यहाँ पे कुछ इस प्रकार से यहाँ पे करना है आपको, नीचे से पतला कर देना है और खींच कर लंबा कर देना है। उसके बाद फिर से इसको रोटेट करना है, इस प्रकार से कुछ रोटेट करके, और यहाँ पे आपको यहाँ पे सेट करना है इसको। तो चलिए मैं इसको और थोड़ा सा रोटेट कर लूँगा। उसके बाद इसको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, यहाँ पे सेट यहाँ पे कर देना है। फिर से इसका एक और कॉपी करना है और नीचे वाले पट्टी पे यहाँ पे लाकर सेट कर देना है। इस तरह कर देंगे तो उसके बाद आपका PNG बन के, उसके बाद आपका लोगो बन के तैयार हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे शेयर वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे एक ऑप्शन से होगा डिफ़ॉल्ट का, तो यहाँ पे इसको अल्ट्रा सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अल्ट्रा का सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे सेव टू गैलरी पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका जो लोगो होगा वो सेव हो जाएगा आपके गैलरी में HD क्वालिटी में। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि यूट्यूब के लिए लोगो कैसे बनाया जाता है। तो इस प्रकार से अपना लोगो बनाएंगे और वहाँ पे लोगो कैसे लगाया जाता है, ये अगला वीडियो अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं बता दूंगा। मतलब मैं आशा करता हूँ कि आपको लोगो लगाना आता होगा, अगर नहीं आता है लोगो लगाना तो अगर कमेंट करते हैं तो मैं लोगो कैसे लगाया जाता है इसके बारे में मैं वीडियो पूरे डिटेल में बना दूंगा। तो चलिए मिलते हैं एक और ऐसे ही कमाल के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।